भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ है और वो अभी 10 वर्ष हो गए चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षण में भगवान यहाँ आएंगे और वो भगवान के आपको दर्शन होंगे। जब भगवान राम यहाँ आएंगे तो उनका आतिथ्य स्वीकार करना, उनको कंदमूल फल जल इत्यादि अर्पण करके और भगवान की सेवा करना। वे साक्षात नारायण हैं, वो बड़े अतु बड़ी सौभाग्यशाली शबरी ये साक्षात नारायण का दर्शन करेगी। तो बोले ठीक है भगवान आपकी जैसी आज्ञा। ऐसा करके मतंदर से शरीर को त्याग देते हैं और वह भक्तिमती देवी शबरी भगवान के नाम को जपते हुए कोई आश्रम में रह जाती है। एक दिन रास्ता साफ कर ही गए थे कि एक महात्मा नहाने के लिए जाने लगे वहां से, तो जो भगने थे उठ के इतने महात्मा जी का स्पर्श हो गया। वो नहा के आ रहे थे सरोवर में, कह लगे कैसी धूर्त मूर्ख त्रिपुर को यहां से भगा दिया गया था, फिर तू क्या कर रही यहां पे? उसको गाली गलौज डांट पर डाल दिया। कहने लगे दूसरी भी मैं छीन कर भूल भी नहीं रही है, ये फिर गया वो सरोवर में स्नान कर। उन महात्माओं के सरोवर में स्नान करते ही वह रुधिर सा लाल हो गया, मन खून जैसा लाल हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए और इनके सारे शरीर में भी वो जुआ होते थे ना पहले, ऐसा कहो मैं सब बावल हो गया, जड़ा बड़े बड़े जड़ा डाली हो रही थी उनके सब में कई कई मिल गई, जैसे घी में चीटी होता थी जैसे इसके सिर में जुआ। ये उल्टा सोचने लगे कि ये पाप नहीं है, इसको इस क्षेत्र से भगा दिया जाए, ये अपवित्र महिला है इसके कारण से हमारा रोवर का जल लाल हो गया, उसमें भी कीड़े पड़ गए और हमारे शरीर में भी चूम हो गए, ये अपुत्रता को छूने के कारण से हुआ। ये भी जान रहे हैं कि भक्तिमती देवी सबरी की अपना अपमान है करने से यह सब घटना घट गई। क्या होता है दूसरे देवी सबरी स्नान करके उनका काम है था रोज फल लाना, रस का साफ करना, भगवान के चरण धोने के लिए पानी लाना, बस स्नान करके फल लेकर के और भगवान के चरण धोने के लिए पानी लेकर के आती है। इतने में ऋषि बालकों ने कहा देवी तो रात दिन राम के आगमन की बाट जो होती है ना वो भगवान राम आ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई इधर सब ऋषि मुनि महात्मा कि आज भगवान हमारे कुटी में आए, कहकर मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, इतनी बड़ी होगी, मैंने 1000 वर्ष करके तपस्या किया है, कोई कह के मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, मेरे घर में आएंगे, वो कह के मेरे घर में आएंगे, वो मैं कह के मेरे आश्रम में आएंगे, मैंने इतनी बड़ी मठ बनाया हूं, मैं रात दिन हवन पूजन यज्ञ में मग्न रहता हूं, तो कोई आरती सजा करके कोई हम भगवान आएंगे तो हम गंगा जल से चरण धोएंगे। अरे कहने लगे मैंने सर्व तीर्थ का जल रखा है, पत्र पुष्प फल जल इत्यादि लेकर के खड़े हुए हैं भगवान राम की आगमन में। कोई कहते हैं कि हम स्वस्ति वाचन द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे, कोई कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि से भगवान की पूजन करेंगे। ये ज्ञान अभिमानी ब्राह्मण की भगवान ने ध्यान दिया, भगवान वहां पहुंचते हैं और क्या कहते हैं भैया मेरी वो सिमरी की कुटी किधर है? यानी भगवान आपके लिए व्यवस्था यहां लेके लगने मेरी भक्ति माती वो सिमरी कहां है? उसी बीच ऋषि वाले को कहा देवी सबरी तुम्हारे भगवान राम आ गए। ये दौड़ी भगवान राम बार बार पूछते ऋषि बालकों से आते थे हे बालकों देवी शबरी की कुटी किधर है? किधर ही है? भगवान राम का अपने प्रति इतना अनुराग प्रेम देकर के सबरी और उतावली हो गया है, मन अपने मन में आने को मन भरती हुई आगे चलती है। भक्तमाल में लिखा है महात्मा जी क्या लिखते हैं, भगवान राम
दौड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान राम से मिलने के लिए दौड़ी, उनके चरण वंदना करने के लिए दौड़ी और भगवान राम भी सबरी से मिलने के लिए आगे दौड़े। तो आग चलना माई आग में सबरी चरण परण भाई वे भगवान राम मिलने के लिए और ये चरणों में पड़ने के लिए जैसे आगे बढ़े और जैसे भगवान के चरणों में दंड गए, जैसे हाथ से डंडा छूट जाता है ऐसे भगवान के चरणों में जैसे गिरी गिरी दंड से भुज दंड से उठाय लीनो, जैसे गिरी गिर कर गिरी सुनी भुज पसराय, भगवान राम ने आजाद भुज से उनको अत्पर उठा लिया। खैर भगवान के चरणों में गिरी, भगवान राम ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तन को संभार करता सुमिली बार बार बारी जो विलोचननी नैन वारी डारी की, भगवान राम के चरणों में गिरी और अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरण को प्रथम पकार ली। कर को पकड़ता सुतानी की उतुल गोचने रघुराज मुनि मंडल दिशा, सब ऋषि मुनि महात्मा हजारों के तादाद में कतार से खड़े हुए हैं जो हजारों वर्ष से भगवान की भक्ति योग यज्ञ जप तप के द्वारा भगवान को अपने आश्रम में बुलाना चाहते हैं। लेकिन भगवान देवी की धारा हम लोग थकते हैं, भगवान राम ने देवी सबरी का उंगली पकड़ ली। भगवान राम पकड़े सबरी का, भगवान राम पूछते हैं बार बार पूछे देवी तेरी कुटी कहती है देवी सबरी तुम्हारी कुटी वह कितनी दूर है, बड़े आनंद के साथ रहूंगा। हरि कौशला निवास मूर्ति, भगवान राम जब मूर्ति में पहुंच गए बड़ा आनंद आ गया, देवी मैं कमला के साथ वैकुंठ धाम में माने लक्ष्मी के साथ जहां मन बनी आया, मेरी माता कौशल्या के कई सुमित्रा ने जो मित्र ने लाल प्यार दिया इतना अनुराग दिया लेकिन उनसे भी ज्यादा तुम्हारा स्नेह हरि कौशला जो आनंद नहीं मिला देवी शबरी वो तुमको देख करके मैं आज इतना मगन और प्रमुदित आनंदित हो गया। जब शिवरी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं शाम स्वरूप है, गले के
अपने दोनों भाइयों ने धन समान धारण किए हुए। देवी सबरी भगवान राम को सुंदर आसन पर बैठाती है और सागर जल ले चरण पधारे मुनि सुंदर आसन बैठारे। उनके चरण धोती है, चरणामृत लेती है, अर्ध पाद पुष्प से उनकी पूजन करती है। मुनि सुंदर आसन बैठारे और आसन में बैठा बैठती है। तब भगवान राम उनके दिए हुए आसन पर बैठने के बाद देवी सबरी से पूछते हैं, कचिते निर्जित विघ्नः कचिते वर्धते तपः कचिते नियमः पापः कचिते तपोवर्धने। हे शुभ्रते, हे शाद्वी, हे महातपस्विनी देवी सबरी, आप शुभ कुशल तो हैं, आपका तप निर्वघ्न पूर्वक तो सफल हो रहा है, आपने कोप और आहार पर संयम तो किया है, देवी आपकी गुरु भक्ति सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहिए? अद्य प्राप्त तपस्या समदर्शनान मयः अद्यमे सफलम जन्मम गुरुवश्च अद्यमे सफलम जन्मम गुरुवश्च सुपूजिता। भगवान मुझे आप साधु तपस्विनी योगिनी ऐसा कह करके मुझे लज्जित न कीजिए, मैंने तो आपके दर्शन से सब कुछ प्राप्त कर लिया मेरे राम। ये जो कुछ प्राप्त हुआ है जिस मेरे तो योग यज्ञ जप तप गुरु की भक्ति सब आपकी कृपा से सफल हुई है भगवान, मैं कुछ भी नहीं। तब देवी सबरी उन बन के लाए हुए कंद मूल और फलों को स्वयं स्वाध्य माधुर्यम उनके स्वाद को पहले देख लेती कि कौन से खट्टे हैं कौन से मधुर मीठे हैं, पहले स्वयं चख के देखती थी फिर वो भगवान को देती। भगवान ने भी उन फलों का स्वाद लेकर के Yeah.
प्रशंसा करके भगवान राम काव्य शांत जी भक्तमाल के काव्य में लिखते हैं। क्या देखते हैं? बेर, बेर की व्याख्या, बेर के कई अर्थ निकलते हैं। बेर तो अपन खाते हैं, कोई बेर है वो भी कई प्रकार के बेर है। बेर माने देर भी होता है, बेर माने बेर काय को लगा दी कहते हैं, माने देर काय को लगा दी। तो बेर और देर और बेर माने बार बार भी होता है, ये तीन शब्द निकलते हैं। तो भगवान संत जी ने लिखा है कि बेर 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 ले सराह बेर बेर बहु, बार बार लेते हैं बेर, बार बार लेते हैं और बार बार सराहना कर देते हैं। क्या कहते हैं? अरे बेर 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 ले सराह बेर बेर बहु, रसी कपिहारे ले तो बंधु समाते। लक्ष्मण जी को देखते क्या कहते हैं? बेर 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 ले सराह बेर बेर बहु, रसी को बिहारी दे तो बंधु कहां बेर बेर। जाति जाति भांते जा बहु तई महान मीठो, अजीले हो तो लखन ये बखाना तन बेर बेर। बेर बेर सबरी भूमि सबरी से कहते देर दे देवी देर क्यों लगा दी। बेर बेर श्रेष्ठ
धर्मान गुणवान जड़वान मन तीनों लोकों में जिसकी व्याख्या हो और वो भक्ति से विमुख है वो मुझे भी भक्ति ही नर सोहाई कैसे और बिन जल बार देखे जैसे बिना भक्ति के मनुष्य ऐसे शोभा नहीं दे सकता जैसे बिना बिना जल के मेघ शोभा नहीं देता। हे देवी मुझे भक्ति ही प्रिय है। स्त्री कम पुरुष कम स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी हो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट भज मोह परम प्रिय स्त्री पुरुष वैश्य शूद्र कोई भी हो कपट त्याग करके संत भावना से जो मेरा भजन करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। यज्ञदान तपो भीरवाम वेदा धन कर्म भी नैव द्रष्टुम अहम् सत्यो मद् भक्तिर्विमुखः सदा। यज्ञ दान तप सब कुछ करके भी मेरी भक्ति से हीन है वो मेरे दर्शन नहीं कर सकती। भगवान सभी को नवधा भक्ति का वरदान देते हैं वर्णन करते हैं भक्ति के साधन भक्ति के साधन कहम बखानी इस वर में सुख शांति तो है तो बोले द्वारकास्मात् रघुसेता
शांत आपके दर्शन से हे रघुश्रेष्ठ हम इस वन में सुखी और शांति तो से हैं। भगवान हे भगवान हम बहुत बड़े अपराधी जो कि इस भक्तिमती सबरी के कारण हमने पतंग जैसे महान भाव का तिरस्कार किया और त्याग किया। भगवान जो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ आप साक्षात नारायण जिसके घर में पधारी है वो देवी सबरी धन्य है और हमें बार बार धिक्कार है। जिसके हृदय में है नहीं अनुराग राधे श्याम का वो मुख भी ना देखा चाहिए उस नीच का ना काम का। जिसके हृदय में सब कुछ है तीन लोक त्रिलोक संपदा भी उसके पास में है और भगवान की भक्ति नहीं है ऐसे महापापी का मुख देखना भी पाप है। भगवान हम आपके सामने खड़े तो हैं लेकिन आपको हम मुंह दिखाने लायक नहीं। ऐसे अपने आप को धिक्कार कहते हुए तो कहने लगे सब कुछ हो गया अब हम जाना चाहते हैं। तब लक्ष्मण जी की संकेत कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा हे ऋषि को अपने आप को पश्चात मत डालो पश्चाताप मत करो क्योंकि क्योंकि आप बड़े महान हैं महात्माओं जो कि संसारिक सुख को त्याग करके और वन में निवास कर रहे हो। आपके ही प्रभाव से आपके ही तप और त्याग से आपके ज्ञान के प्रचार और प्रसार से ही ये सारा सच्चराचर जगत धर्म को धारण कर रहा है। आप धन्य नहीं करो। भगवान राम कहते हैं कि अब यहां से हम चलना चाहते हैं तो एक ऋषि आकर कहता है भगवान इतना तो बताते जाओ आप जाने वाले हैं लेकिन इतना तो बता दो कि हमारे पंपा सरोवर के जल में जब इतना निर्मल था तीनों लोगों में पवित्र था उसमें वो उसमें कीड़े क्यों पड़ गए और रुधिर जैसा हमारे खून जैसा लाल क्यों हो गया है और जो हमारे स्नान और जलपान के लायक नहीं बचा वो और उसका पान हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में भी कीड़े पड़ गए माने जीव पड़ गए हैं ये क्या कारण हो सकता। भगवान राम ने कहा मतंग मुनि देवास्य मतंग मुनि के साथ में दिवस करने और यह राम भरता सवरी का अपमान करने और आपके अभिमान रूपी दुर्गुण के कारण से यह पंपा सरोवर का जल लाल हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। तब इनकी आंखें खुली की कहने लगे हम दोष मतंग मुनि को और सबरी को देते थे वो दोष को पूरा पूरा हमारा है भगवान इसका पुनर्वत शुद्धिकरण कैसे होगा वो निर्मल जल कैसे होगा हमने निर्मलता कैसे आई। तो कहने लगे इसी देवी सबरी की चरण धोकर के और उसी सरोवर में डालो और उस सरोवर में देवी सबरी एक बार स्नान कर ले जहां आप लोगों ने उनको रोक रखा था तो पुनः ये जल निर्मल हो जाए। सबरी से प्रार्थना करते हैं देवी सबरी वहां जाती है सबरी के चरण धोने लगते हैं। ऋषि मुनि महात्मा कह लगे नहीं नहीं मैं इतने बड़े अंतिम समय है मेरा मैं इस पाप में आपको नहीं डालूंगी मैं खुद ही सरोवर में प्रवेश कर जाती हूँ। देवी सबरी जैसे सरोवर में प्रवेश करती हैं तो वहां की वो कीटाणु और भी नष्ट हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं अदृश्य हो जाते हैं और वह जैसे कीचड़ के जल कदले पानी के फिटकरी डालते तो तुरंत निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार सिवरी के उस सरोवर में प्रवेश होते ही वह निर्मल जल हो गया। इसके बाद भगवान राम देवी सबरी से पूछते हैं देवी तो बहुत भाग्यशाली और सब ऋषि मुनि महात्मा देवी सबरी की पूजा करने को होते चले गए नहीं मैं पूजनी नहीं हूं भगवान पूजा ही भी प्रज वेद विहीना शूद्र नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा मैं पूजा करने के लायक नहीं हूं भगवान राम तुम्हारा कुशल करेंगे कल्याण करेंगे यही मेरी कामना है। भगवान राम पूछते हैं देवी कुछ वरमान तो बहुत भाग्यशाली सबरी क्या कहती है। भगवान राम ने कहा वरदान मांगो जो चाहोगे आपके लिए सुलभ है। भगवान राम ने तो पहले दे दिया उनको योगी वृंद दुर्लभ गति जोई जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को दुर्लभ है तो कम आज सुलभ भई सोई तेरे लिए वो सुलभ है।
फिर सब देवी सबरी कहती है कि या त्वाम साक्षात रघुनाथस्य, हे भगवान मैं आपसे क्या बात वर मांगूं, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म होने पर भी आपका दर्शन कर रही हूं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को दुर्लभ है त्वा तस्माद वो आपके दर्शन से प्राप्त कर रहे हैं, या त्वाम साक्षात पारागत आप साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये इतना अनुग्रह है कोई कम है क्या भगवान, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। बोले फिर भी क्या चाहती हो देवी, तो बोले भगवान मेरे यहां शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, अब इसको मैं आगे नहीं रखना चाहती, मेरे परम सद्गुरुदेव जी को जो आपको प्राप्त करने की आपकी भक्ति का सब ज्ञान दिया था वो मेरे से पहले ही स्वर्ग चले गए हैं, मैं भी इस शरीर को त्याग करके और आपके धाम को जाना चाहती हूँ। भगवान ने हंसदेव कहा तथास्तु, भगवान राम और लक्ष्मण खड़े रहते हैं और योग के द्वारा शरीर को त्याग करके भगवान के चरण में देवी सबरी गिर जाती है। बोलो बोलो भक्तों की भगवान की। अब देवी सबरी के नीचे करना चाहिए बात कि राम राम रजते रजते मेरे को मैं। Thank you.